सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि हम सभी कावेरी इंजन के बारे में काफी लंबे समय से सुनते आ रहे हैं और अभी हाल ही में हमने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि अब कावेरी इंजन के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट को जल्द ही शुरू किया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कावेरी इंजन को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है और आखिर कैसे ये भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? तो आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। कावेरी इंजन क्या है, इसका विकास कार्य कैसे शुरू हुआ, इस बारे में आप में से लगभग हर किसी को मालूम ही होगा। और जिनको मालूम नहीं है, हम उनको बता दें कि हम इस पर एक अलग से वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। और इस एपिसोड में हम केवल ये जानेंगे कि आखिर कावेरी इंजन भारत के लिए इतना ज्यादा महत्व क्यों रखता है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि किसी भी फाइटर जेट का इंजन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है, जिसे हर कोई आसानी से विकसित नहीं कर सकता है। और आज के समय में केवल 5 ही देश ऐसे हैं जिनके पास जेट इंजन को विकसित करने की कैपेसिटी मौजूद है, और इन देशों में अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना शामिल है। और ये सीधी सी बात है कि भारत अगर इस कावेरी इंजन को विकसित कर लेता है तो भारत भी जेट इंजन को विकसित करने वाले इन देशों के एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा। कावेरी इंजन को इतना ज्यादा महत्व देने का एक कारण ये भी है कि इसका विकास कार्य पूरा होते ही काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़े भारत के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा, जिनमें तेजस प्रोजेक्ट, AMCA प्रोजेक्ट और घातक UCAV जैसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं। मौजूदा समय में भारत और फ्रांस कावेरी इंजन के 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले वेरिएंट को विकसित करने में लगे हुए हैं, जिसकी 2019 तक तैयार होने की संभावना है। और इस 90 किलो न्यूटन के कावेरी इंजन को तेजस MK1A में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें फिलहाल अमेरिका के F404G IN20 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा भारत कावेरी इंजन के 51 किलो न्यूटन वाले वेरिएंट को विकसित करने की भी योजना बना रहा है, जिसे भारत के घातक UCAV प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे ऑरा के नाम से भी जाना जाता है। आज से कुछ साल पहले कावेरी इंजन के 99 किलो न्यूटन वाले वेरिएंट को भी विकसित करने की कोशिश की गई थी, जिसे मुख्य रूप से LCA तेजस के एडवांस वेरिएंट तेजस MK2 और AMCA प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया जा रहा था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब तेजस MK2 को एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बजाय एक मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा, और जबकि AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए 110 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट वाले इंजन की जरूरत है। और अब इन दोनों प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखकर भारत और फ्रांस कावेरी इंजन के 125 किलो न्यूटन वाले वेरिएंट को विकसित कर रहे हैं, जो कि मुख्य रूप से कावेरी इंजन का 10वां प्रोटोटाइप होगा, जिसे K10 के नाम से जाना जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि 125 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले कावेरी इंजन को विकसित करने के बाद भारत 130 से 140 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने वाले कावेरी इंजन को भी विकसित कर सकता है, जिसे भविष्य में भारत के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप इन सब बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कावेरी इंजन भारत के इन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के लिए कितना ज्यादा महत्व रखता है। और इन सब कारणों के अलावा कावेरी इंजन को महत्व दिए जाने का एक और सबसे बड़ा कारण है कई सारे करोड़ रुपयों में बचत, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास जेट इंजन को विकसित करने की कैपेसिटी आ जाएगी तो हम इन इंजन को दूसरे देशों से इम्पोर्ट नहीं करेंगे, जो हमारे कई करोड़ रुपयों को बचाएगा और इन रुपयों को और भी कई सारे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में इस्तेमाल किया जा सकेगा। और एक कावेरी इंजन फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी में भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाएगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।